प्लीज 20 से कम हो, अगर 20 से कम होगा तो भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। प्लीज 568, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे पता है जब कमलिका को इस बारे में पता चलेगा तो वो मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएगी। एक काम करती हूँ, इसे प्राइवेट कर देती हूँ। हाय जिया। हाय काव्या, तूने अपने सोलमेट के अकाउंट को प्राइवेट क्यों कर रखा है? क्योंकि ये पर्सनल चीज है और वैसे भी किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे प्राइवेट कर रखा है। लेकिन इसे पब्लिक करने का पूरा मतलब यही है कि तुम अपने सोलमेट को जल्दी ढूंढ लोगी। लेकिन तू टेंशन मत ले, सही टाइम आने पर मैं अपने सोलमेट को ढूंढ ही लूंगी। ओके फाइन, लेकिन कम से कम तुम मुझे तो ये बता ही सकती हो कि तुम्हारा सोलमेट कितने लोगों से प्यार करता है। आई डोंट नो। कम ऑन जिया, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। चलो मैं तुम्हें अपना बताती हूँ, मेरा सोलमेट 0 लोगों से प्यार करता है, मतलब मैं उसकी लाइफ में फर्स्ट आऊंगी। ये कितना रोमांटिक है ना। वाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से मुझे बताओ। 568, what? 568? लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे इस चीज से बिल्कुल भी जज ना करूँ। ओह अच्छा, तो अब मैं समझ गई हूँ कि तुमने इसे प्राइवेट क्यों कर रखा है। कमोलिका, ये ए और बी की बात है, सी का बीच में टांगड़ाने का कोई मतलब नहीं है, समझी? फाइन, वैसे भी मुझे उतनी गॉसिप्स मिल गई है जितने की मुझे जरूरत थी। तुम्हें क्या लगता है कि वो क्लास में जाकर सबको ये सारी बात बता देगी? तुम्हें पता है ना, वो स्कूल की सबसे बड़ी चुगलखोर है। तो जिया, क्या ये बात सच है कि तुम्हारा सोलमेट 568 लोगों से प्यार करता है? नो। तो फिर तुम हमें ये सब कुछ दिखा क्यों नहीं रही हो? क्योंकि मैं ये जरूरी नहीं समझती। ओह रियली? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कमोलिका एकदम सही कह रही थी। वैसे भी पूरे स्कूल में इसके बारे में पता चल ही गया है, सो आई थिंक मुझे इसे पब्लिक कर ही देना चाहिए। शायद इस तरीके से मैं उसे जल्दी ढूंढ पाऊंगी। जिया, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, तेरा सोलमेट का लव काउंट बढ़ते जा रहा है। ओह माय गॉड, उसका काउंट देखो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? देखो, इसने फिर से इसे प्राइवेट कर दिया। यार सब लोग चुप हो जाओ, देखो हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है, इसका नाम चार्ली है। सब लोग चार्ली को हाय बोलो। हाय चार्ली। चार्ली, तुम्हारा जहाँ मन करे बैठ जाओ। क्या यहाँ कोई बैठा तो नहीं है ना? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नो, तुम यहाँ बैठ सकते हो। हाय, मेरा नाम चार्ली है, तुम्हारा नाम जिया है ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने तुम्हारा नाम तुम्हारे नोटबुक पर लिखा हुआ देखा था। आई थिंक ऐसा करना गलत नहीं होगा, है ना? हाँ, ये गलत था। टीचर ने मुझे रिकमेंडेड किया है कि मैं तुमसे लास्ट वीक के नोट्स ले लूं। टीचर ने कहा है कि तुम इस क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तो क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे दोगी ना? ओके, कोई बात नहीं, तुम मेरे नोट्स ले सकते हो। ओके, अगर तुम स्कूल के बाद फ्री हो तो आज शाम को मेरे नोट्स लेने आ जाना। क्या तुम्हारे घर पे? या अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मेरे घर पे आ सकते हो। ओके, फिर मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। बाय बाय। तुमने उसे घर पे बुलाया है? ऑफ कोर्स मैंने उसे अपने घर पे बुलाया है। तुम्हें पता है मेरे सोलमेट का लव बिफोर काउंट 700 से ऊपर चला गया है, और वैसे भी मैं उससे मिलने से पहले कम से कम एक बार तो किसी को लाइक कर ही सकती हूँ ना। आई थिंक यू आर राइट, जस्ट बी सेफ। ओह माय गॉड, वो आ गया है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। हाय, तुम आ गए? हाँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, तुम अंदर आ सकते हो, आओ ना। क्या लोगे तुम? नोट्स। क्या अभी तक तुम्हें तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं। और तुम्हें? नहीं, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं हूँ। मैं भी नहीं। वैसे भी मेरा सोलमेट बहुत सारे लोगों के पैर में पड़ा हुआ है, और मैं उसे मिलने से पहले एक बार उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। रियली? तुम मुझे बता सकती हो? 700 या उससे भी ज्यादा। तो तुम्हें क्या लगता है, ये बुरा है? मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये अच्छा है। राइट, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। आर यू श्योर? या वो क्या ना, मैंने अपनी छोटी बहन को प्रॉमिस किया है कि मैं होमवर्क में उसकी हेल्प करूंगा, तो मुझे जाना चाहिए। बाय। अरे रुको, तुम अपने नोट्स तो यहीं भूल गए। आई रियली होप कि ये मेरा सोलमेट ना हो। अगर ऐसा हुआ तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको यहाँ बुलाकर। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये मेरे सोलमेट के साथ चल क्या रहा है? मुझे तो पता ही नहीं था कि लव बिफोर काउंट डाउन में भी जाता है। ये अचानक से कम कैसे हो गया? सुबह सुबह कौन आया होगा? चार्ली, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने नोट्स लेने आए हो? नो, मैं वापस आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। व्हाट? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि तुम मेरे सोलमेट हो? क्योंकि ये इतना कॉमन भी नहीं है कि कोई इतने सारे लोगों को प्यार करे, इसलिए मुझे पता है कि मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। मतलब तुमने इतने सारे लोगों से प्यार किया है? यस। ओके, फिर तो तुम्हें एक गेम मिल गया ना खेलने के लिए। नहीं, ये मेरे लिए कोई गेम नहीं है, ये बस मेरे लिए एक चीज की तरह है। कौन सी चीज? मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो मुझे उससे प्यार हो जाता है। हाँ, हर किसी से? नो, हर किसी से नहीं। ओके, जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मुझे ये रियलाइज हुआ है कि वो सब मेरा ट्रू लव नहीं था। क्या तुम मुझे सही से एक्सप्लेन करोगे कि तुम्हारा ये काउंट डाउन में कैसे चला गया?
क्योंकि जो प्यार मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ उसकी तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती। आई रियली लव यू। आई लव यू टू।